उत्तरकाशी के आराकोट और आसपास के इलाकों में भारी बारिश की वजह से हुए नुकसान का सरकार ने आकलन किया है। ये इलाका सेब की बागवानी के लिए जाना जाता है, लेकिन पहाड़ पर हुई भारी बारिश से सेब की फसल को भारी नुकसान पहुंचा है। कृषि विभाग के अधिकारियों की एक टीम लगातार आपदाग्रस्त इलाकों का दौरा कर रही है और इस बारे में जी मीडिया के उत्तराखंड के कृषि मंत्री से खास बातचीत हुई। उत्तरकाशी में आपदा के बाद क्या नुकसान हुआ है, खेती और बागवानी को क्या नुकसान हुआ है, खास तौर पर ये बात करने के लिए मेरे साथ इस समय कृषि और उद्यान मंत्री सुबोध उनियाल साहब मौजूद हैं। सर, कुछ आकलन अब तक हो पाया हो कि कितना नुकसान हो गया है? देखिए, जिलाधिकारी की जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक तकरीबन 265 हेक्टेयर लैंड पर कृषि और बागवानी का नुकसान हुआ है, क्योंकि वो ज़्यादातर वो बेल्ट बागवानी की बेल्ट है, तो ज़्यादा नुकसान बागवानी क्षेत्र में हुआ है और करीबन 30,000 पेड़ों के नुकसान की जो सूचनाएं हैं, जो तकरीबन 30,000 बॉक्सेस सेब के, इतना समझ लीजिए, अब नुकसान हुआ है। और इसमें हमारी 680 टीम एक चली गई है जो ये अनुमानित था, जो वास्तविक नुकसान का आकलन करेगी, उसके बाद इसमें कोई निर्णय लिया जाएगा। अच्छा, एक ये भी सवाल उठता है कि आप लगातार, या उत्तराखंड सरकार हो, केंद्र सरकार हो, कृषि विभाग खास तौर पे किसानों की आमदनी दुगनी करने की बात करता था, इस तरीके के डिजास्टर कितना प्रभावित करते हैं पारंपरिक कृषि विकास योजना हो, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना हो, या फल उत्पादन की बात करते हैं, तो कितना नुकसान होता है, मोटिवेशन कितना डाउन होता है? देखिए, ये निश्चित रूप से किसी पर्टिकुलर इलाके में ये बहुत बड़ा नुकसान है, लेकिन अगर आप इसको पूरे प्रदेश के में कुल मिलाकर के अगर आकलन करेंगे प्रदेश की एग्रीकल्चरल लैंड से, तो मैं समझता हूँ ये ऐसा नहीं है कि हमारे इस संकल्प है कि किसान की आय को दुगना करना उस प्रभावित हो जाए। और खासकर ये जो सेब की बेल्ट है, इसमें परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत अभी कम ही ऐसे क्लस्टर समूह होंगे जिनमें परंपरागत कृषि विकास योजना से काम चल रहा था। ये ज़्यादातर सभी लोगों के निजी बागवान थे और निजी बागवानों पर नुकसान हुआ है, और आप खुद ही देख रहे हैं कि कितना ज़बरदस्त वहाँ पर पानी का बहाव आया कि 20 के आसपास लोगों का मरना और उसके अलावा 265 हेक्टेयर जमीन का नुकसान होना, ये प्राकृतिक आपदा है, इसमें आप पर हम क्या कर सकते हैं। चलिए, तो खेती को नुकसान हुआ है, बागवानी को नुकसान हुआ है, देखना यह है कि कितनी जल्दी आपदाग्रस्त क्षेत्र फिर से खड़े हो पाते हैं और अपनी खेती और अपने बगीचों को बचा पाते हैं। कैमरामैन गोविंद सिंह के साथ मनमोहन भट्ट, जी मीडिया, देहरादून।